जिला बिलासपुर के ग्राम पंचायत सलोवा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलोवा के गांव सलोवा से जोड़ने वाले रास्ते पर पुलिया ना होने से विद्यार्थियों को अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करना पड़ रहा है। कल हुई भारी बारिश से नाले में पानी आ गया, जिससे विद्यार्थियों और टीचरों को उफनते नाले से गुजरना पड़ा। SMC प्रधान प्रेमलाल शर्मा ने लोगों के सहयोग से बच्चों को पकड़कर नाला पार करवाया। बताते चलें कि ये नाला गोविंद सागर झील में जाकर समाता है। अगर समय रहते इस नाले पर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मैं अजय सिंह चंदेल, युवक मंडल प्रधान गांव सलोवा का रहने वाला स्थायी निवासी। मैं सरकार से बार बार अपील, हमारे SMC प्रधान स्कूल के जो हैं प्रेमलाल शर्मा जी ने भी कम से कम 10 बार वीडियो बना के डिपार्टमेंट को भेजी है, पंचायत प्रधानों को भेजी है, को भी इससे अवगत करवाया गया है और स्थानीय विधायक को भी अवगत है इस सलोवा की परिस्थितियों से। कोई भी वंचित नहीं है, पर हम फिर जो कल हादसा यहाँ हुआ है, जो सलोवा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बाया होल्टिकल्चरों के रास्ता आता है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, उसमें कल भारी बारिश होने के कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो जो नाला है बहुत ही उफान पे था और वहाँ के स्थानीय लोगों ने और स्थानीय बच्चों ने जो वहाँ के मेंबर्स हैं उन्होंने खुद बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पार करवाया है। मेरी सरकार से अपील है, मेरी डिपार्टमेंट से अपील है, मेरी जो वहाँ के उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे प्रधान हो, BDO हो, चाहे हमारे MLA, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ये सलोवा से जोड़ते हुआ वाला रास्ता है होर्टिकल्चर से, इधर से जो एक पुड़ी का निर्माण करने के लिए हार्डली 2 या 2.5 लाख रुपए का बजट है, वो डिपार्टमेंट के लिए मुहैया करवाया जाए या प्रधान को मुहैया करवाया जाए कि जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो, रास्ते का निर्माण हो। मैं सरकार से भी अपील करूंगा, मैं खासकर BDO ब्लॉक स्वारघाट और अपने ग्राम पंचायत सलोवा के प्रधान श्री चरण सिंह लक्की जी से विनती करूंगा कि इस समस्या को गंभीरता से लें और जल्दी इसका निवारण करें। धन्यवाद। मैं SSMI प्रधान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलोवा से प्रेमलाल शर्मा, मेरा सरकार से कहना है और प्रशासन से भी कहना है कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं परंतु यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मैं ग्राम पंचायत सलोवा से भी कहता हूँ प्रधान से कि यहाँ पे आके तो देखो, यहाँ पे आकर जायजा लिया जाए, क्यों इन बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। हमारे बच्चों के जो आने जाने का रास्ता, किसी भी तरफ से कोई भी आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। नीचे गोविंद सागर झील भरी है और जो ये आज हादसा हुआ है, ये हादसा मामूली सी बात नहीं है, ये हादसा मामूली सी बात नहीं है, क्योंकि आए भी पानी में बच्चे बह गए थे। अगर हमारे ग्रामीण लोग नहीं आते, हम नहीं जाते, हमारे स्कूल के टीचर नहीं जाते, तो ये बच्चे पानी में बहकर गोविंद सागर झील में मिल जाते। ये मामूली पानी नहीं है, ये नहर का पानी नहीं छोड़ा गया, ये बांध का गेट नहीं खोला गया, ये तो बारिश का पानी नाले में आ रहा है। कोई भी इसके ऊपर सवाल जवाब नहीं कर रहा है, ना प्रशासन देख रहा है, ना सरकार देख रही है, ना हमारी पंचायत देख रही है, ना कोई डिपार्टमेंट होर्टिकल्चर देख रहा है, क्योंकि जो ये रास्ता है होर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरी से गुजरता है और सिर्फ 300 मीटर का गैप है, जो उर्ली तरफ भी सड़क है और परली तरफ भी सड़क है, जो गांव से जुड़ी है और पूरे स्कूल के गेट के पास सड़क मिली है, जुड़ी है, क्योंकि इस पुली के बनने से 6-7 गांव को सूरत मिलेगी, राहत मिलेगी आने जाने के लिए, क्योंकि सभी बच्चे इन रास्तों से आते। आज तक किसी भी मंत्रियों ने इन रास्तों का भी संविधान नहीं किया,
मेरा यही कहना है, आज तक इन मंत्रियों ने, सरकार ने, प्रशासन ने क्या किया? क्या हमारे बच्चों के लिए रास्ता चलने के काबिल भी नहीं बना सके? मेरा सभी से गुजारिश है, सरकार से, सुक्खू सरकार से भी गुजारिश है कि जो ये हादसा हुआ है ये मामूली बात नहीं है, हमारे बच्चों की जान हर दम धोखे में है। इसलिए मेरा कहना है बार बार कि इन रास्तों के ऊपर ध्यान दीजिए, वो जितना भी जल्दी हो इस पुली का निर्माण किया जाए। वो सुक्खू सरकार से भी यही कहना है मेरा बार बार कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी 2-2.5 लाख का बजट दिया जाए ताकि इस पुली का निर्माण किया जाए। और मैं पंचायत प्रधान को भी कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आकर यहाँ पे आकर देखें, जायज़ा लिया जाए, सरकार से बातचीत करें। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर बिलासपुर से भी बात करें, क्योंकि ये मिलजुल कर काम होना करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारे बच्चे धोखे में ही पड़े हैं और अपनी जान धोखे में लगाकर आते हैं। इसलिए मेरा सभी से यही कहना है फिर भी कि गांव वालों को भी यही रास्ता है और बच्चों के लिए भी यही रास्ता है। नीचे गोविंद सागर झील भरी है पानी से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।